आज हम 21वीं सदी में जीवन यापन कर रहे हैं। अब पूरी तरह से ये युग डिजिटल हो गया है। हम डिजिटल ही लगभग सारे काम कर रहे हैं। ट्रांजैक्शंस भी डिजिटल हो रहे हैं, जिसके लिए अंग्रेजी जानना अनिवार्य है। किसी भी तरह का कोई कंपटीशन हो, बिना अंग्रेजी के आजकल काम बिल्कुल नहीं चलता। बिहार से बाहर निकलिएगा तो हिंदी पट्टी वाले प्रदेशों में किसी तरह हिंदी के सहारे काम तो चल जाता है, लेकिन दिल्ली समेत अन्य प्रदेशों में आप अंग्रेजी के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। साउथ इंडिया की बात कर लीजिए या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, अंग्रेजी ही आपकी जान और जहान भी होता है। यहाँ आपको कुछ भी काम करना हो तो आप इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं, या फिर यहाँ की लोकल भाषा में बात करिए, जो कि और भी कठिन होती है। लेकिन आज बिहार बोर्ड से मैट्रिक करने वाले छात्रों के लिए अंग्रेजी एक फालतू विषय बनकर रह गया है। इसमें वह पास करें या फिर यह मायने नहीं रखता। इसमें केवल परीक्षा में अटेंडेंस जरूरी है, इसमें पास करने की कोई बाध्यता या अनिवार्यता जरूरी नहीं है। ऐसे में अब इसे लेकर छात्रों में ही नहीं, शिक्षक और बुद्धिजीवी तबके के लोगों में बहस छिड़ गई है। इस बहस में हर कोई अब इंग्लिश के पक्षधर हो गए। लगभग लोगों का कहना है कि अंग्रेजी को अनिवार्य विषय में शामिल किया जाना चाहिए, और हम भी ये मानते हैं कि अंग्रेजी को अनिवार्य विषय में शामिल जरूर करना चाहिए। हालांकि संस्कृत और अलग भाषाओं से हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। संस्कृत के जो पक्षधर हैं, वे भी मानते हैं कि अंग्रेजी बेहद जरूरी है, क्योंकि मैट्रिक के बाद संस्कृत लगभग फुल स्टॉप की स्थिति में आ जाती है। ऐसे में अब तो अंग्रेजी को कंपलसरी करने के लिए भी आवाजें उठने लगी है, जबकि इसके इतर संस्कृत हायर एजुकेशन के मेनस्ट्रीम में कहीं नहीं है, लेकिन वह मैट्रिक में कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसमें पास करने के लिए स्टूडेंट्स रट्टा लगाते रहते हैं। उनके मन में हमेशा डर लगा रहता है कि संस्कृत में कहीं फेल ना हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो फिर साल भर के लिए लटक जाएंगे, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले हम मैट्रिक के विषयों को समझते हैं, यह जानते हैं कि कौन विषय अनिवार्य है और कौन नहीं। एजुकेशनल एक्सपर्ट्स के अनुसार मैट्रिक में 6 विषयों की पढ़ाई होती है। इसमें हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और अंग्रेजी शामिल है। इन विषयों में अंग्रेजी को ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखा गया है, यानी ऐच्छिक विषय, मतलब कि इसमें आप पास करें या ना करें, इससे आपके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस केवल परीक्षा में अनिवार्य रूप से शामिल हो जाइए, अपनी हाजिरी बना लीजिए। जबकि अंग्रेजी को छोड़कर संस्कृत समेत बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स की लिस्ट में ये शामिल है, यानी हायर एजुकेशन में जाने के लिए इन विषयों में पास करना बहुत जरूरी और अनिवार्य है। और पास करने के लिए आपको हर विषय में 30% मार्क्स लाने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बिहार बोर्ड में जिस संस्कृत विषय में पास करने के लिए रात दिन रट्टा लगाया जाता है, श्लोक से लेकर व्याकरण तक को एकदम घोल घोल कर पिया जाता है। लट लकार, लिट लकार को बार बार दोहराया जाता है। विसर्ग या हलंत छूट जाने पर 9वीं-10वीं क्लास में मास्टर साहब की छड़ियां खानी पड़ती है, लेकिन उस विषय के लिए हायर एजुकेशन में कहीं ज्यादा स्कोप नहीं है। ना इंटर साइंस और ना ही आर्ट्स में कहीं संस्कृत विषय मिलता है, और ना ही ग्रेजुएशन में इससे कोई पाला पड़ता है। यह अलग बात है कि बीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षाओं में संस्कृत को रखा गया है, लेकिन मेन स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स को इससे क्या फायदा। हाँ, उन कंपटीशन में वैसे छात्राओं को लाभ मिलेगा जो संस्कृत से मध्यमा समेत आगे की पढ़ाई करेंगे। आंकड़ों को देखें तो मध्यमा में भी अब स्टूडेंट्स की संख्या लगातार गिरती जा रही है। यही वजह है कि एक समय जिलों में अलग से कई संस्कृत स्कूल थे, वे भी लगभग बंद हो गए। आए दिन तो अब यह खबरें आती है कि मध्यमा में केवल सर्टिफिकेट के लिए लोग जाते हैं। 2016 में इस तरह का वाकया मधुबनी से सामने भी आया था। तब मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर खबर आई थी कि मधुबनी में मोटी रकम देकर मध्यमा के सर्टिफिकेट खरीदे जा रहे हैं। आरोप लगाया गया था कि बिना एडमिशन कराए और परीक्षा दिए केवल एक आधार कार्ड से 10,000 से 20,000 रुपए में मध्यमा पास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट बनाकर बेचे जा रहे हैं। इसकी आग पटना तक पहुंची थी। तब एक पत्रकार ने ही आधार कार्ड की फोटोकॉपी देकर मध्यमा की मार्कशीट बनवाई थी, इसी के आधार पर सर्टिफिकेट भी मिल गया। तब इस मामले की जांच बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन सचिव और अध्यक्ष ने करवाई थी, और आप जानते ही हैं, जांच चलती है तो बस चलती ही रहती है। खास बात कि संस्कृत और अंग्रेजी के इस चक्कर का खामियाजा हर साल लाखों स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। हर साल मैट्रिक के अभ्यर्थियों में इजाफा ही हो रहा है। इस साल भी लगभग 16.5 लाख स्टूडेंट्स इस बार बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसमें लगभग 8.5 लाख छात्र तथा लगभग 8 लाख छात्राएं हैं।
बिहार बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पूरे बिहार में 16,48,894 विद्यार्थियों के लिए 1,525 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा शुरू हो गई है। दूसरी ओर माध्यमा करने वालों के लिए अंग्रेजी अनिवार्य है। दरअसल माध्यमा में संस्कृत के 3 पेपर के अलावा हिंदी, अंग्रेजी और सोशल साइंस के 1-1 पेपर अनिवार्य है। पहले माध्यमा में इन विषयों के अलावे सामाजिक शिक्षा भी थी, जिसे 2020 में हटा दिया गया। वही माध्यमा बोर्ड के ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में 2 विषयों कंप्यूटर शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा गया है। खास बात कि CBSE और ICSE ने इस मर्म को समझा। इन दोनों केंद्रीय बोर्ड में संस्कृत को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। बहरहाल अंग्रेजी विषय को अनिवार्य विषय की लिस्ट में शामिल किए जाने की मांग लगातार उठने लगी है। 2017 में इसे लेकर गोपालगंज में पोस्टकार्ड के माध्यम से आवाज उठाई गई थी। दिल्ली जाकर इस अभियान को गति भी दी गई थी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम भी चलाई गई। 2017 के मार्च माह में गोपालगंज से छात्रों का एक जत्था दिल्ली गया था। तब दिल्ली में युवाओं की एक टीम ने उस समय राज्य भर के कई तत्कालीन सांसदों से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंपा था और उनसे राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने की मांग की थी। उस समय BJP नेता जनक राम को भी मांग पत्र सौंपा गया था। जनक राम वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं। तब युवाओं ने कहा था कि यह हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि अंग्रेजी को शिक्षा में अनिवार्य कराने के लिए हमें आवाज उठानी पड़ रही है, जबकि आज की टेक्निकल एजुकेशन के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। अंग्रेजी के बिना दूसरे राज्यों में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले छात्रों को शर्मसार होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, तब तत्कालीन DM राहुल कुमार को भी मांग पत्र सौंपा गया था। इसके साथ ही युवाओं ने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य कराने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ज्ञापन सौंपा था। युवाओं ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम भी चलाई, साथ ही 2000 पोस्टकार्ड मांग कर लोगों को भेजा था। इतना होने के बाद भी आज भी वही स्थिति है। आज भी बिहार बोर्ड के सिलेबस में संस्कृत कंपल्सरी विषय बना हुआ है, जबकि अंग्रेजी ऐच्छिक विषय की लिस्ट में शामिल है। लेकिन स्टूडेंट्स करें तो क्या करें, वह तो केवल गुहार ही लगा सकते हैं। लाइव सिटीज की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।